Hi guys, so I am vlogging after 1 week. Don't come on my look, my ugly look, but trust me guys, I haven't feeling well since past 10 days or so. मुझे 10 दिन हो गए हैं, ना तो मैंने कोई vlogging करी है, ना मैंने कोई video shoot करी है, ना मैंने editing करी है, और मैं घर से बाहर नहीं निकली हूँ because मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी. एंड स्टिल आई एम रिकवरिंग. टुडे इज सैटरडे एंड बच्चों ने ज़िद करी हुई है मैगडी जाने की. ऑल दो बाहर के दो चार छोटे छोटे काम भी हैं, स्टिल मैंने दोपहर भर अपना बेड नहीं छोड़ा कि मैं बाहर जाने के लिए हिम्मत जुटा पाऊँ और वो काम भी कर पाऊँ और बच्चों को मैगडी भी घुमा लूँ. बट नाउ शी दिस गर्ल इज़ गेटिंग ऑन माई नर्व्स एंड शी हैज़ फोर्स्ड मी टू गेट अप and you know to get ready for the magdi. कौन magdi के लिए जिद करता है? कौन? She. So yeah, wait a minute. देखो guys, मैं नहीं नाटक कर रही हूँ, magdi पहन के. Okay, so this is what I have planned to wear right now. क्योंकि गर्मी काफी हो रखी है. 1, 2, 3. Okay guys, so this is how this kurta is looking on me. Trust me guys, ये कुर्ता मैंने last year लिया था and ये मुझे थोड़ा सा loose था but now this is fitting me, you know. I'm feeling little chogged. एक और white. But कोई बात नहीं. थोड़ा सा ready हो जाते हैं क्योंकि जैसे थोड़ा सा ready होंगी ना मेरा mood uplift हो जाएगा. ये भटकती हुई कोई आत्मा या फिर जिंदा लाश जैसी नहीं लगूंगी. मैं लास्ट मिनट तक भी टालती रही कि मुझे नहीं जाना है, तुम लोग जाओ. मैंने अपने व्लॉग में कहा था कि सब कुछ रियलिस्टिक दिखाऊंगी, मैं बीमार भी होंगी तो आई व्लॉग, बट ट्रस्ट मी गाइस, ऐसा होता नहीं है. आई ट्राइड. मैंने उससे कहा भी था उस जा मेरा कैमरा ला करके दे एंड आई विल व्लॉग. और मैंने एक क्लिप व्लॉग भी की थी. कांट टेल यू, लुक एट मी. मेरा दिमाग का मैंने ब्राउज फिल कर लिया. अब मैं मॉइस्चराइजर लगा. मम्मी, हमें जाना था ओजस के लिए और सानवी के लिए स्कूल बैग लेने के लिए एंड ओजस के लिए स्कूल शूज लेने के लिए और ओजस और सानवी का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स. जो जो काम मैं आपको अभी बता रही हूँ ना, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं और जो होने थे उन्हें हैं क्योंकि अभी पेंडिंग रह गए. मैं उठी ही नहीं. सीरम लगा के गाइस, लग रहा है कि मैं नहाई नहीं, बट ट्रस्ट मी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है बाहर जाने का. लेकिन अगर मैं बाहर नहीं गई ना तो आई विल गो क्रेजी. जहां मैं 10 मिनट्स में रेडी हो सकती हूँ ना, ये लड़की इंश्योर करेगी कि मैं आधे घंटे में भी रेडी ना हो. अभी मैंने कुछ भी मेकअप नहीं कराया, कुछ भी चीजें नहीं करी है स्टिल विकास से कि इतनी देर लग गई तुझे. अरे मुझे चाटा लगने के लिए ना देर ही नहीं लगेगी तुझे. कुछ नहीं किया मैंने अपने. लेकिन तू तो कुछ करने तो वाली थी ना. अपने चैनल पे ये दिखा दूंगी. कट कर दू इसको या रख लू? दिखा दू मैं ये चीज भी गाय इसको. स्लीपर्स मेरी स्टोन्स वाली, इसमें व्हाइट कलर के पर्ल्स लगे हुए और स्टोन्स लगे हुए. आपको परफ्यूम लगा. There is nothing a good fragrance cannot fix, you know. Works for me at least. Although my nose is clogged. बहुत कम थोड़ी थोड़ी स्मेल आ रही है. Yes. Yes. My baby girl. ये मुझे परेशान करती है but she helps me also. So these are my slides for the day. हाँ परफ्यूम लगाना आओ जल्दी आओ. पर्पल वाला ये एक प्रोडक्ट बाय किया था लास्ट मंथ विच इज फ्रॉम बेला वीटा एंड दिस पैकेज कम्स विद द फोर फ्रेग्रेंस एंड ऑल ऑफ देम आर यू नो. मैं इनमें से एक कर हम उसको मैं लगा रही हूं. इन सब की कैसी गुड होती है? इसकी बहुत अच्छी थी, मुझे आ नहीं रही है. इनकी अच्छी, इसकी बहुत अच्छी है. दिस इज यू नो, दिस इज सैनोरिटा. यू नो दो बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि लोगों ने रुक के पूछा कि विच परफ्यूम इज नाइस. ओके सो यस, हम दोनों रेडी हो चुके हैं. पर ये पिंपल मेरे हेड के में देगा. आपका पिंपल तो है नहीं. और सॉरी एक है
ऑक्टोपस। सीरियसली आई नीड टू शेड 10 क्लोज मिनिमम। चलो चलते हैं, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, बट लेट्स सी। हाँ, मुझे थोड़े स्पाइसी मोमोज खाने के लिए मिल जाए तो आई कैन ईट, आई कैन यू नो हैव दैट मैक्सवेल आइसक्रीम एंड वन मैक फ्लोट। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरी तबीयत खराब है एंड आई एम इग्नोर दिस पार्ट, इग्नोर। आई हैव चेंज्ड माय स्लाइड्स, यू नो वो वाली ना कुछ ज़्यादा ओवर द टॉप लग रही थी सिंपल कुर्ते के साथ। आपकी शॉपिंग करने नहीं आया बट ये प्रिंट स्कूल वाले ओके नहीं करेंगे। कौन सा वाला? भाई नहीं, ये प्रिंट से क्या ओवर है ना, राइट हीटर ट्रैक सूट से या फिर पैंट टाइम से ओवर हो जाएगा। ट्राई कर इसको, जस्ट हैप्पी ना। बैग शूज टी शर्ट सब हो गया ना फेक ही जगह पे, हो गई शॉपिंग, अभी कुछ नहीं खरीदना। ओके गाइस, सो डन विद दी ऑल द वर्क, जितना भी काम था वो सारा काम हो गया। लग नहीं रहा था कि काम हो पाएगा पूरा, बट स्टिल सम हाउ वी मैनेज टू बाय शूज़ बैग। मैंने भी अपने लिए शूज़ ले लिए और शॉर्ट्स ले लिए, सॉक्स हो गए, ओजस के शूज़ हो गए, ओजस का बैग भी हो गया। यू नो एवरीथिंग इज सॉर्टेड नाउ एंड नाउ वी कैन ईट पीसफुली। अच्छे वाले भाई, और अच्छे वाले थे जो ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा खाना। गाइस ये वाला पार्ट आप लोग स्किप कर देना हाँ, क्योंकि नहीं पीते, गलत बात होती है खाना पीना। मैंने कहा था मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मेरा कुछ मन नहीं है। ओके मेरी छोटी सी शॉपिंग, ज़्यादा बड़ी नहीं, एकदम छोटा सा शॉपिंग हॉल होने वाला है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये है ओजस के लिए स्कूल बैग, क्योंकि उसका स्कूल बैग बिल्कुल ख़राब हो चुका है और क्योंकि वो अब 8th क्लास में आ चुका है तो वेट भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। मजबूत और स्टर्डी बैग चाहिए था, तो यस गॉट दिस वन। काफ़ी ब्यूटीफुल बैग है और जो उसका लोगो बना हुआ है ना, आई लाइक इट सो मच। प्राइस वगैरह मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ, बिकॉज मुझे ना सामान के प्राइस बताना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नेक्स्ट इज शूज, यस ये है मेरे शूज, मैंने लिए हैं, लुक एट दिस। और जो इसमें आप ये वाली डिटेलिंग देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत वन फॉर माई सेल्फ। वैसे ये वाले ये शूज खरीदना सीन में नहीं था। कम ऑन टू दी नेक्स्ट, ये है ओजस के शूज। मैंने ब्लैक इसलिए लिए हैं ताकि ना ओजस इन शूज को अपने स्कूल भी पहन करके जा सकें, एंड आई लव इट। और ये शूज ना मैंने भी ट्राई करे थे, मेरा और ओजस का ना जो पैरों का साइज है वो अभी सेम है, सो हम दोनों दूसरे के शूज पहन लेते हैं। सो जब मैंने भी वाले शूज पहन के देखे, इसका जो कम्फर्ट लेवल है वो मेरे वाले जो रेड शूज है ना उससे नेक्स्ट लेवल है। आई मीन ये उनके स्टोर में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल शूज थे। शॉर्ट्स फॉर विकास, वन इज फॉर ओजस एंड वन मोर शॉर्ट्स, दिस इज फॉर विकास। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा,
इसका जो फैब्रिक है ना वो बहुत प्यारा, बहुत प्यारा है। ये वो जिसने अपने ले लिया टी शर्ट, स्पोर्ट्स टी शर्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओजस की और मेरी दोनों की ही सॉक्स बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं, तो हमने ये सॉक्स भी लिया। ये तीन पेयर आए हैं, दो मैं ओजस को दूंगी, ब्लैक एंड डार्क ब्लू, एंड दिस आई विल कीप फॉर माई सेल्फ। ये था हमारा एक छोटा सा शॉपिंग हॉल, एंड मुझे लगा था कि नहीं हो पाएगी आज शॉपिंग, है ज़रूरी ज़रूरी काम पूरे नहीं हो पाएंगे, बट देखा हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि चीज़ें नहीं हो पाएंगी, हमेशा हमेशा सोचना चाहिए कि हम लोग कर लेंगे। फोटोग्राफ्स आर ऑल्सो डन। वाओ, शी इज़ लुकिंग सुपर क्यूट, सुपर। थर्सडे इज अप्रोचिंग, एंड एक सॉफ्ट फोटो भेजना था आपके बच्चे के साथ में 2x3 का, सो आई हैव सेलेक्टेड दिस वन, एंड मैं इसको डेवलप करवा के लेकर गई हूँ। एंड प्लीज इग्नोर दिस जायंट पिंपल ऑन माई फेस। मैं अपने चेंज भी कर लिया, सानी ने चेंज भी कर लिया, शी इज ऑल सेट टू स्लीप नाउ। एड करके मैं थोड़ी सी एडिटिंग करूँगी। मैं एक मूवी देखना चाहती हूँ, वो एक मूवी आई नेटफ्लिक्स पे, लापता लेडीज। एंड मैं कोरियन नहीं देख रही हूँ, मेरा मन नहीं है अभी कोरियन देखने का, मेरा मन लापता लेडीज देखने का कर रहा है। मम्मी खत्म कर करके अपना लापता लेडी फिर तेरे कोरियन देखोगे? ठीक है, फिर मैं आप कोरियन देखूंगी, ठीक है। ओके गाइज, सो दिस इज इट फॉर टूडेज वीडियो, एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग दिस वन व्लॉग, एंड इफ यू डू सो देन प्लीज 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 गिव इट अ थम्स अप, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, सो वेन एवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो यू गाइज विल गेट अ नोटिफिकेशन, एंड आप मेरी वीडियोज आते के साथ में देख सकें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, जल्दी मिलूंगी आपसे अपने अगली वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब, यस, जल्दी मिलेंगे आपसे, जल्दी ही मिलेंगे आपसे अपनी हमारी अगली वीडियो में। और आप लाइक करना मत भूलिएगा, और आप सब्सक्राइब करना वो भी मत भूलिएगा। एग्जैक्टली, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारी वीडियोस देखते रहिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।